दोस्तों, मेरा नाम दिव्यांश सेंगर है। एक समरी चार्ट हमने पहले आप सबके साथ शेयर किया था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, जिसमें सारी डिटेल्स कंप्लीट थी कि कब हमें कंपोजिशन स्कीम लेनी है, कब रेगुलर स्कीम हम ऑप्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी लिमिट्स हैं, कब हमें लोकल परचेज अलाउड है, लोकल सेल अलाउड है, या हम इंटरस्टेट परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। सारी कंप्लीट एनालिसिस किया था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, जो नॉर्मल आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर में काम आते हैं। अब जब आपके 6 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग हुई है, इसके बाद बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। पूरा चार्ट चेंज हो चुका है एक तरह से, अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि टर्नओवर लिमिट्स भी चेंज हुई हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें भी अलाउ की गई हैं, तो वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं कि पूरी वीडियो देखना, क्योंकि आपको कई पॉइंट्स मिलेंगे कि कौन सी डेट से इफ़ेक्टिव है जो एग्जेम्पशंस वगैरह कुछ दी गई हैं। जैसे अनरजिस्टर्ड डीलर्स के लिए भी एग्जेम्पशन दी गई है कि आप सप्लाई ले सकते हैं, तो डेट्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी डेट से ये एप्लीकेबल होगी। ये चार्ट भी आपको मिल जाएगा। आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर है, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एंड कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए। मैं आपके साथ ये चार्ट का पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, हाई क्वालिटी का। चलिए ये वीडियो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे हमने कैसे कैसे बाइफर्केशन किया है। सबसे पहला बाइफर्केशन है कि आपका टर्नओवर लिमिट अगर 10 लैक्स या उससे कम है और आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने का कंपलसरी नहीं है। आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप पर ऑप्शन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वगैरह हैं, इसमें जम्मू एंड कश्मीर को अलग किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को 20 लाख वाली लिमिट में डाला गया है। तो अगर 20 लाख लिमिट है अदर स्टेट्स में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको 20 लाख लिमिट ओवर होने पर, एक्सटेंड होने पर, आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। अगर 20 लाख लिमिट तक है, 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर है आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है, आप पर ऑप्शन है। हम डिस्कस करेंगे कि अगर ऑप्शनल आप लेते हैं तो आपको क्या पॉइंट्स मैनेज करने पड़ेंगे, क्या कंप्लायंस कंप्लीट करने पड़ेंगे, एंड अगर आप लिमिट ऑप नहीं करते तो आप पर क्या कंप्लायंस होंगे। कंपोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो 75 लाख की लिमिट है, अभी अभी चेंज हुई है 6 अक्टूबर में। पहले 50 लैक्स या 75 लैक्स थी, अब 75 लैक्स एंड 1 करोड़ है। 75 लाख किसके लिए है? स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है। याद रखना, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड को कंपोजिशन स्कीम में काउंट नहीं करेंगे 75 लाख लिमिट के लिए। 1 करोड़ वाली लिमिट में आएंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड। तो अगर आपका 1 करोड़ टर्नओवर है, 1 करोड़ या उससे कम, एंड जम्मू एंड कश्मीर में है, तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। 1 करोड़ से ऊपर होगा तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। और अदर स्टेट जो स्पेशल कैटेगरी है, वो उनके लिए 75 लाख है। इसके बाद अगर आपके लिमिट 75 लाख से ज़्यादा है, या फिर 20 लाख से ज़्यादा है, या फिर 1 करोड़ से ज़्यादा है, या वॉलेंट्री आप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो आप पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज आएंगी। एंड फोर्थ कैटेगरी हम डिस्कस करेंगे एग्जेम्प्टेड डीलर्स की। कैटेगरी को ऐसे कैसे डिस्कस की, एक तो अगर आपकी लिमिट में नहीं है 10 लाख या 20 लाख की, आप अनरजिस्टर्ड हैं, या फिर 75 लाख या 1 करोड़ तक की लिमिट है, आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, या फिर आप लिमिट से एक्सटेंड कर रहे हैं, टर्नओवर आपका ज़्यादा है 10 लाख या 20 लाख से, या फिर कंपोजिशन स्कीम आप ऑप्ट नहीं करना चाहते, तो आप रेगुलर में फॉल करेंगे, या फिर एग्जेम्प्टेड डीलर अनरजिस्टर्ड में फॉल करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सबसे पहले देखते हैं लोकल परचेज। लोकल परचेज चारों केसेस में अलाउड है, आप लोकल परचेज कर सकते हैं। आप चाहे अनरजिस्टर्ड हो, चाहे कंपोजिशन स्कीम में हो, या रेगुलर हो, या एग्जेम्प्टेड डीलर्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली लोकल सेल्स में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को भी लोकल सेल कर सकते हैं। इंटर स्टेट परचेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंटर स्टेट परचेज कर सकते हैं। परचेज में आप किसी भी कैटेगरी में हो, आप अदर स्टेट से परचेज कर सकते हैं। आप जम्मू एंड कश्मीर में, आप दिल्ली से परचेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इंटर स्टेट सेल्स में ज़रूर रिस्ट्रिक्शन है, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में, तो भी आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। याद रखना, इन दोनों कैटेगरीज में आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। अगर आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, तो आप यूपी में, जम्मू एंड कश्मीर, या किसी भी दूसरे स्टेट में सेल नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में फॉल करते हैं, या रेगुलर रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप इंटर स्टेट सेल कर सकते हैं। रेगुलर में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे लोकल परचेज हो, लोकल सेल हो, या इंटर स्टेट सेल परचेज हो। अगर एग्जेम्प्टेड डीलर है, तो भी आप इंटर स्टेट सेल कर सकते हैं, आपको अलाउड है।
इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर की बात करें तो ये बिल्कुल इंटर स्टेट सेल की तरह काम आएगा, इसलिए आपको अनरजिस्टर्ड के केस में नॉट अलाउड है, कंपोजिशन में भी अलाउड नहीं है, रेगुलर में अलाउड है, अनरजिस्टर्ड अगर एग्जेम्प्टेड डीलर की वजह से आप अनरजिस्टर्ड हैं तो अलाउड है, मतलब स्टॉक ट्रांसफर को भी सप्लाई ही माना गया है तो सेल की तरह ट्रीट होगा। 6 अक्टूबर को एक एग्जम्पशन दी गई है इंटर स्टेट सर्विसेज, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप अगर अनरजिस्टर्ड भी हैं तो आप दूसरे स्टेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एग्जम्पशन दी गई है। ये एग्जम्पशन आपको 13 अक्टूबर से अप्लीकेबल होगी, मैंने बताया था आपको डेट भी ध्यान रखना है, उससे पहले अगर आपने कोई इंटर स्टेट सर्विस की है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा, नोटिफिकेशन में रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट नहीं है। 13 अक्टूबर को नोटिफिकेशन इशू हुई है, नोटिफिकेशन के लिए आप इससे प्रीवियस जो वीडियो है वो देख सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम में अलाउड नहीं है इंटर स्टेट सर्विसेज, रेगुलर अगर हैं तो आप इंटर स्टेट सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड अगर एग्जेम्प्टेड डीलर हैं तो आप इंटर स्टेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर रिवर्स चार्ज की बात करें, जो स्पेसिफिक कैटेगरी दी गई हैं सेक्शन 93 में, जैसे आपके डायरेक्टर्स हो गए अगर कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर एडवोकेट सर्विसेज हुई या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज हुई, ये सब रिवर्स चार्ज में फाल करती हैं, सामने वाले को रिवर्स चार्ज के अंडर पे करना पड़ेगा, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो टैक्स पे नहीं करेगा, जो सर्विस रिसीवर है वो टैक्स पे करेगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड ऐसी कोई सर्विस रिसीव कर रहा है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आपने सर्विस ली डायरेक्टर से और आप अनरजिस्टर्ड हैं क्योंकि आपकी टर्नओवर लिमिट नहीं है, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा, तो आप पे नॉर्मल रूल वाले सारी कैटेगरी फॉल करेंगे। अगर आप कंपोजिशन में तो आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं क्योंकि कंपोजिशन स्कीम भी एक तरह से रजिस्ट्रेशन तो आपका हो ही गया, तो आप रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाली बात नहीं हो सकती, आप रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कीजिए। रेगुलर हैं तो भी रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एग्जेम्प्टेड डीलर हैं और अनरजिस्टर्ड हैं और रिवर्स चार्ज वाली कैटेगरी से आप ले रहे हैं कोई सप्लाई, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर 93 वाली स्पेसिफिक कैटेगरी से कोई भी सप्लाई ले रहे हैं। तो अनरजिस्टर्ड डीलर वाली कैटेगरी में अगर हम बात करें, रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है सेक्शन 94 के थ्रू, अगर आप कोई भी सप्लाई लेते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर से एंड आपकी डेली लिमिट 5000 से ऊपर क्रॉस करती है तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना होता है। तो अगर आप खुद अनरजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड सप्लायर से ले रहे हैं तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब रिसीवर रजिस्टर्ड हो एंड सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो एंड टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कर रहा हो। कंपोजिशन में एप्लीकेबल होगा लेकिन ये 31 मार्च 2018 तक सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन कौन सी डेट से सस्पेंड किया गया है, 13 अक्टूबर से, मतलब अगर 13 अक्टूबर से 31 मार्च 2018 के बीच में आपने कंपोजिशन सप्लायर हैं आप और कोई अनरजिस्टर्ड डीलर से सप्लाई लेते हैं तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर एंड 12 अक्टूबर 2017 तक आपको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पर, अगर आपकी 5000 रुपीज डेली लिमिट से एक्स्ट्रा क्रॉस होती है अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई। क्या बताया मैंने, अगर आपकी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई है 13 अक्टूबर के बाद और 31 मार्च 2018 तक तो आपको टैक्स रिवर्स चार्ज पर पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने सप्लाई ली है तो केवल 5000 रुपीज डेली लिमिट वाली एग्जम्पशन थी, 5000 से अगर ऊपर होता है तो आपको टोटल अमाउंट पर रिवर्स चार्ज पे करना पड़ेगा। तो अब ये एग्जम्पशन दे दी गई है 6 अक्टूबर से जो काउंसिल मीटिंग हुई थी उसके बाद, तो ये 13 अक्टूबर से नोटिफिकेशन इशू की गई है, नोटिफिकेशन के बाद ये एग्जम्प्ट है अब, लेकिन केवल 31 मार्च 2018 तक एग्जम्प्ट है, उसके बाद फिर से अनरजिस्टर्ड सप्लाईज पे आपको टैक्स देना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के बेसिस पे। रेगुलर के लिए सेम प्रोसीजर रहेगा कि अगर आपने रिवर्स चार्ज अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिया है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से सप्लाई ली है तो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा 94 में, लेकिन ये सस्पेंड कर दिया गया है 13 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2018 तक, तब तक आपको रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे नहीं करना, उसके बाद फिर करना है, उससे पहले अगर फॉल करते हैं तो करना है। एग्जेम्प्टेड डीलर्स को अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है अगर। तो रिटर्न्स की बात करें तो रेगुलर जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें 3 रिटर्न फाइल करनी होती हैं, GSTR 1, 2, 3 एंड GSTR 9, मतलब एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी साल में एक बार।
कंपोजिशन की बात करें तो उन्हें GSTR 4 क्वार्टरली फाइल करनी होती है एंड एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी होती है GSTR 9A। तो अनरजिस्टर्ड के केस में कोई रिटर्न नहीं होगी, कंपोजिशन है तो एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेगा, एक एनुअल रिटर्न फाइल करेगा, मतलब हर क्वार्टर में एक रिटर्न फाइल करनी होगी GSTR 4 एंड GSTR 9A फाइल करनी होगी एनुअली। रेगुलर की बात करें तो रेगुलर में एक एग्जेम्पशन अभी दी गई है, अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ या उससे कम है, तो आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं GSTR 1, 2, 3 एंड एनुअल रिटर्न आपको फाइल करनी है GSTR 9 अगर आपका टर्नओवर किस लिमिट में 1.5 करोड़ तक। अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको GSTR 1, 2 एंड 3 मंथली फाइल करने होंगे। अब इशू आएंगे आपके साथ, मैचिंग कॉन्सेप्ट रहता है परचेजेज का, वो अब आपको क्वार्टरली मैच करना पड़ेगा, तो ये थोड़े से इशू रहेंगे। लेकिन नॉर्मली आपको एग्जेम्पशन दी गई है अगर टर्नओवर कम है स्मॉल मीडियम एंटिटीज के लिए, लेकिन 1.5 करोड़ से अगर ज़्यादा टर्नओवर है तो आपको मंथली 3 रिटर्न फाइल करनी है एंड एक एनुअल रिटर्न फाइल करनी है। अगर आप अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्टेड डीलर्स हैं तो आपको कोई रिटर्न फाइल नहीं करनी। इनवॉइस टाइप कौन कौन से होंगे, अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड के केस में कोई भी फॉर्म, आप जैसे भी मेमो होता है कैश मेमो वगैरह उस तरह का इनवॉइस दे सकते हैं। कंपोजिशन के केस में बिल ऑफ सप्लाई देंगे, रेगुलर के केस में बिल ऑफ सप्लाई देंगे एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए, एग्जेम्प्टेड डीलर्स के केस में कोई भी फॉर्म चलेगा। इनवॉइस अगर आप टैक्सेबल सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड के केस में कोई भी फॉर्म चलेगा, कंपोजिशन के केस में बिल ऑफ सप्लाई ही चलेगा, बिल ऑफ सप्लाई हर केस में रहता है कंपोजिशन के केस में, रेगुलर के केस में टैक्स इनवॉइस चलेगा एंड अनरजिस्टर्ड के केस में कोई भी टाइप। अब इसमें एक चेंजेज और आया है वो मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। अगर कोई टैक्सेबल पर्सन दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, दोनों कैसी, मतलब टैक्सेबल भी एंड एग्जेम्प्टेड भी, तो वो एक बिल ऑफ सप्लाई कम इनवॉइस रेज कर सकता है, मतलब एक ही इनवॉइस में दोनों चीज़ मेंशन कर सकता है अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये इंपॉर्टेंट है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। तो आगे चलते हैं, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैसे कैलकुलेट होगी। अनरजिस्टर्ड के लिए तो कोई लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड है। कंपोजिशन के लिए 1%, 2% या 5% जैसी कैटेगरी में फॉल करता है उस बेसिस पे कंपोजिशन में टैक्स पे करेगा टर्नओवर के बेसिस पे। एंड RCM इसका रेगुलर रेट्स पे अप्लाई होगा। RCM रेगुलर रेट्स पे कैसे, अगर मान लीजिए आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाई नॉर्मल रेट में 12% है, तो अगर आप ऐसी रिवर्स चार्ज के अंडर में लेते हैं तो 12% ही लगेगा। मान लीजिए एडवोकेट सर्विसेज, एडवोकेट तो रिवर्स चार्ज सेक्शन 93 में फॉल करते हैं, तो एडवोकेट अगर अनरजिस्टर्ड है और आप पर रिवर्स चार्ज होगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड हैं, तो आपको 18% पर रिवर्स चार्ज पर टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब जो नॉर्मल रेट्स हैं वही लगेंगे RCM के केस में। रेगुलर हैं अगर आप तो रेगुलर रेट्स लगेंगे कोई पॉइंट नहीं है, और अनरजिस्टर्ड में कोई लाइबिलिटी नहीं है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कौन ले सकता है कौन नहीं डिस्कस कर लेते हैं। अनरजिस्टर्ड कोई इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि वो जब टैक्स पे नहीं कर रहा तो इनपुट क्रेडिट कैसे लेगा। कंपोजिशन के केस में अगर बात करें तो कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी नॉमिनल रेट्स लगाते हैं 1%, 2%, 5%, तो इसलिए इनपुट क्रेडिट इसे नहीं मिलेगा। अगर रेगुलर आप रजिस्टर्ड हैं तो इनपुट क्रेडिट आपको अलाउड है। सेक्शन 75 में अगर आपकी कोई इनपुट्स फाल करते हैं तो वहाँ इनएलिजिबल है, जैसे आपके फूड एंड बीवरेज हो गया, आपने मोटर व्हीकल्स परचेज किया, तो इन सब के इनपुट अलाउड नहीं है। इसका अलग मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जो भी एलिजिबल इनपुट्स हैं वो आप ले सकते हैं। एंड एग्जेम्प्टेड डीलर्स अनरजिस्टर्ड है तो कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समराइज आपको समझ में आए होंगे, और इसमें डेट्स वगैरह जो मैंने मेंशन की वो ज़रूर आप ध्यान रखना कि कौन सी डेट से क्या चीज़ एप्लीकेबल है। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक आपको पूरा एक समराइज सारी चीज़ें मिल गई एक ही जगह पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए कि सबको ये चार्ट दिख सके। और अगर आपको ये PDF चार्ट चाहिए तो आप ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।